जी जनाब, हम अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट टूल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड कहा जाता है। ये भी 2x2 का मैट्रिक है और इसको आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम ये जान सकें कि हमें अपनी प्रोडक्ट या अपने बिजनेस के लिए कौन सी अप्रोप्रिएट ग्रोथ स्ट्रेटजी या मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड है इज़ अ टूल फॉर आइडेंटिफाइंग कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज थ्रू मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। यानी एक ऐसा टूल है जिसको इस्तेमाल करके हम किसी कंपनी की करंट प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को डिटरमिन करते हैं। और हमारे सामने चार किस्म की स्ट्रेटजीज आती हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। आइए हम प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड जो कि एनसॉफ के साथ मंसूब है उसका मुतालिया करते हैं और देखते हैं कि किस तरह इसके अंदर हम अपॉर्चुनिटीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखिए कि आपके सामने चार ऑप्शंस मौजूद हैं, दो डायमेंशंस हैं, एक प्रोडक्ट डायमेंशन है और एक मार्केट डायमेंशन है। लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो वर्टिकली आपके पास मार्केट डायमेंशन है जिसमें दो ऑप्शंस हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट्स और न्यू मार्केट्स। और अगर आप टॉप पर देखें हॉरिजॉन्टली तो आपके पास स्टिल दो ऑप्शंस हैं जो कि प्रोडक्ट्स से मुतल्लिक हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और न्यू प्रोडक्ट्स। अब आप ये समझिए कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट उस कैटेगरी में है कि एग्जिस्टिंग है, ऑलरेडी है और मार्केट भी एग्जिस्टिंग है, इससे मुराद ये है कि आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी है, कोई नई नहीं बनाई आपने, और जिस मार्केट में आप सर्व कर रहे हैं वो भी आपकी एग्जिस्टिंग है, तो इसमें ग्रोथ की आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि आप पेनिट्रेट करें। पेनिट्रेशन से क्या मुराद है? पेनिट्रेशन से मुराद ये है कि आप ज़्यादा मार्केटिंग एफर्ट करें, ज़्यादा प्रमोशन करें उस प्रोडक्ट, ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करें। क्योंकि मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब है सीकिंग मोर मार्केट शेयर इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। तो आप अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए, ये यूँ है कि एक बेकरी है जिसकी बेकरी आइटम्स हैं और कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं, वो उनको फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफिकल एरिया ए के अंदर मिडिल क्लास को ऑफर कर रही है, अगर वो उसी मार्केट के अंदर ज़्यादा मार्केट शेयर चाहेगी तो उसको अपनी जो स्ट्रेटजी यूज़ करेगी उसको मार्केट पेनिट्रेशन हम कहेंगे। इसके साथ अगर एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर आप नई प्रोडक्ट ले आते हैं तो उसको हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट का नाम देते हैं। यानी वही बेकरी वाला अगर अपनी बेवरेजेस भी शुरू कर देता है जो कि वो पहले नहीं बना रहा था, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कह लें, जूसेस कह लें, मिल्क प्रोडक्ट्स कह लें, तो वो जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा होगा उसको हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। यानी एग्जिस्टिंग मार्केट में नई प्रोडक्ट ले आया है, और अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नई मार्केट में ले जाते हैं या नई मार्केट्स में ले जाते हैं तो इसमें असल में आप प्रोडक्ट तो नहीं डेवलप कर रहे लेकिन आप मार्केट डेवलप कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि वही बेकरी वाला जो कि ज्योग्राफिकल एरिया ए में सर्व कर रहा था, अगर वो अपनी प्रोडक्ट को, बेकरी को ज्योग्राफिकल एरिया बी और सी में भी ओपन कर लेता है तो हम कहेंगे कि उसने मार्केट डेवलप की है। अब आप गौर कीजिए, आप मार्केट पेनिट्रेशन करें, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें या आप मार्केट डेवलपमेंट करें, तीनों सूरतों में कर क्या रहे हैं आप? आपकी सेल्स में इजाफा हो रहा है, आपके रेवेन्यूज़ में इजाफा हो रहा है, यानी कि आप ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रोथ की तीन डायमेंशंस हो गई, एक ये सीकिंग मोर शेयर इन द एग्जिस्टिंग मार्केट विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स, मार्केट पेनिट्रेशन, दूसरा इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन द एग्जिस्टिंग मार्केट टू गेट मोर रेवेन्यू, मोर सेल्स इन द सेम मार्केट विद अ न्यू प्रोडक्ट ग्रोथ, और टेकिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू द न्यू मार्केट्स, अगेन इंक्रीजिंग योर सेल्स, इंक्रीजिंग योर रेवेन्यूज। तो ये आपकी मार्केट डेवलपमेंट हो गई। और एक चौथी स्ट्रेटजी आपके पास है
कि आप मार्केट भी बिल्कुल नहीं है और आपकी प्रोडक्ट भी बिल्कुल नहीं है, यानी आप डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। अगर मैं कहूं कि वही बेकरी वाला जिसने पहले सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाई फिर नई ज्योग्राफिकल एरियाज में एंटर हो गया, वो अब अगर बिल्कुल एक नई मार्केट के अंदर यानी एलीट क्लास के लिए वो इंटीरियर डेकोरेशन का प्रोडक्ट शुरू कर लेता है उसी नाम के साथ, लेकिन प्रोडक्ट बिल्कुल नया है और मार्केट भी नहीं है, तो हम कहेंगे उसने डाइवर्सिफाई कर लिए। इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं, और मिसाल ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रीडोमिनेंटली एजुकेशन का बिजनेस कर रही है, यानी वो स्कूल्स और कॉलेजेस ऑपरेट कर रही है। वो ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना टेलीविजन चैनल बना लेती है तो हम कहेंगे उसने डाइवर्सिफाई कर लिया है, या वो ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी बेकरी बना लेती है तो हम कहते हैं कि उसने डाइवर्सिफाई किया है, वो ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी एयरलाइन स्टार्ट कर देती है तो हम कहते हैं कि उसने डाइवर्सिफाई किया है। आपने गौर से देखा ये 2x2 का प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा कि एक्सपेंशन के लिए ग्रोथ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल कर सकती है। तो चार ऑप्शंस हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।